चौथी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने हमें दिलाई वो कि मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। ईश्वर सही मायने में एक केवल एक कल्पना है, तो जो कल्पना है उसके अवतार लेने का मतलब ही नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले भी बताया, और बाबा साहब का उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर है, उनका कहना भी बिल्कुल क्लियर है कि ईश्वर अगर है और वो सर्वशक्तिमान है तो उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है, इंसान के रूप में आने की क्या जरूरत है उसे। वो सारे काम जब पूरे ब्रह्मांड को चलाता है वो, और ब्राह्मणवाद ये कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो उसे यहां आने की क्या जरूरत है, वहीं से बैठे बैठे सारा सब कुछ कर सकता है। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंसान ने सैटेलाइट बनाया है, यहीं से बटन दबा के सारा सब कुछ कर सकता है, इस तरह के मिसाइल बना लिए हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी आज केवल इंसान ने ईजाद कर ली है कि हजारों किलोमीटर दूर वो जो चाहता है कर सकता है। यहां तक कि जो अंतरिक्ष में जो उसने अपने यान भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजे हैं, उनमें अगर कोई खराबी भी हो जाती है, हजारों किलोमीटर दूर पे हैं, तो यहीं से बैठे बैठे उसे ठीक कर देता। तो ईश्वर तो जिसने सब कुछ चलाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, ब्रह्मांड जिसने बनाया है, वो वहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है, उसे अवतार लेने की जरूरत क्या है। ईश्वर का कभी अवतार होता नहीं है, ये केवल और केवल ब्राह्मणवाद का रचा हुआ षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र उसने वेदों में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में बाकायदा तरीके से लिखा हुआ है, और उसे कोई और ना जान ले, उसे कोई और ना पढ़ ले, और ईश्वर के अवतार की यह सच्चाई ना पता लग जाए, इसलिए बहुत लोगों को, शूद्र समाज को उसने कभी पढ़ने नहीं दिया गया, ताकि उसे ईश्वर की सच्चाई ना पता लग जाए, ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र ना पता लग जाए। तो ईश्वर कभी अवतार लेता नहीं है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है मैं इसमें कभी विश्वास नहीं रखूंगा। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना आप सभी है, ईश्वर अवतार लेता है और कितने ही अवतार बना रखे हैं, 10 अवतार तो विष्णु के ही बताए जाते हैं, भिन्न भिन्न रूप में हैं, कितने ही देवी देवताओं को यहां पूजा जाता है, सरस्वती को पूजा जाता है शिक्षा की देवी के विषय में। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी हैं या उसकी पूजा करने से शिक्षा आ जाती है, तो फिर ये स्कूल, कॉलेज, इन सब की क्या जरूरत है, ये लाइब्रेरियां, ये किताबें, इन सब की क्या जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी जो सारी सब कुछ है, क्या ये सरस्वती की पूजा करने से आई है, क्या ये वैज्ञानिक जो बने हैं दुनिया भर में, ये सारे के सारे सरस्वती की पूजा करने से बने हैं? ये मात्र एक ढकोसला है जो ब्राह्मणवाद ने बनाया है और फैलाया है ताकि उसकी दुकान चलती रहे, उसका षड्यंत्र चलता रहे। ये केवल और केवल लोगों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अगर आज स्कूल और कॉलेज नहीं होते, हम लोग उसमें नहीं जाते, तो क्या आज हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, SP कुछ बन सकते थे क्या, वैज्ञानिक बन सकते थे क्या, जज बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। ये केवल और केवल शिक्षा की वजह से संभव हुआ, और शिक्षा सरस्वती की पूजा करने से नहीं आती, शिक्षा स्कूल में जाने से आती है, शिक्षा पढ़ने से आती है, और उसका चिंतन मनन करने से आती है, किसी देवी देवता की पूजा करने से नहीं आती। और ये अवतार, ये जो सारे बनाए गए हैं, इनसे तो निश्चित रूप से नहीं आती। तो इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं, ईश्वर ने कभी अवतार लिया है ऐसे मैं कभी विश्वास नहीं रखूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।